नमस्कार, सबसे मौजूद है मिनी सचिवालय में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अपना नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हैं। मिनी सचिवालय आपको बता दे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की महेंद्रगढ़ विधानसभा की टिकट है फाइनल हुई है, लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा अपना नॉमिनेशन करने के लिए मिनी सचिवालय पहुंचे, तो इस तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के नॉमिनेशन में एक तरफ जहां वर्तमान में पार्षद देवेंद्र यादव है, वहीं दूसरी तरफ बात कर लें तो चेयरमैन डालू और उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी मौजूद है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे तस्वीरों में कि पंडित रामविलास शर्मा, अभी तक आपको बता दें कि टिकट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और रामविलास शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। सर प्लीज बैठे। रामविलास शर्मा जो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जिले की प्रांत के टोली प्रदेश कार्य समिति के सदस्य देवेंद्र यादव, सुधीर दीवान, कप्तान राजेंद्र सिंह लांबा, जिला के
महामंत्री अमित मिश्रा, जिला के उपाध्यक्ष अमित भारद्वाज, जिला के मंत्री मुकेश शर्मा, सतवीर सिंह भैरो, अशोक शेखावत, दिनेश यादव, विवेक खैरवाल, कुलदीप शर्मा, पांचों मंडल अध्यक्ष जिला की पूरी टीम ने आज उम्मीदवार के नाते हमने नामांकन भरा है। आपने सब देखा है, आज बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाई और बहन उपस्थित थे। महेंद्रगढ़ के लोगों का कहना है कि इतनी हाजिरी कार्यकर्ताओं की इससे पहले नहीं हुई और आज हमने नामांकन किया। सर, दो लिस्ट लगातार कई दिन तक महेंद्रगढ़ को इंतजार करना पड़ा, दो लिस्ट आ गई लेकिन नाम अभी भी नहीं आया, अभी तीसरी लिस्ट भी नहीं आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें हो सकता है कुछ विचार विमर्श में देरी हो गई। इस बार के चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार। सर, आज बीजेपी से नामांकन किया है? हाँ जी, बीजेपी। ठीक है।